हेलो स्टूडेंट्स, सो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि वी विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर 4, न्यू चैप्टर, बट लेट मी टेक वन मोर लेक्चर ऑन द एक्सरसाइज. आफ्टर दिस लेक्चर वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 4. रेडी? सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल नंबर 13. एक्सप्लेन क्लियरली विथ एग्जाम्पल्स द डिस्टिंक्शन बिटवीन ए मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट means value of displacement which is called distance over an interval of time and the total path length of path covered by a particle over the same interval. Means ki we have to give the difference similarity between these two things, hai na? We have to make a distinction between displacement and path length for the same period of time. So for that, let's have an example. Suppose you are starting your journey from point A and you are going to point B. The distance between A and B, let's assume it is 100 meter. Ready? And imagine you are traveling from A to B. You are traveling from A to B. So in that case, what will be your displacement? Ready? So value of your displacement is 100 meter. And what will be your path length? Dekho, displacement kya hota hai? Displacement means shortest distance between initial and final point. इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर. पाथ लेंथ, द सेम केस, फॉर द सेम केस व्हाट विल बी द पाथ लेंथ? पाथ लेंथ इज अ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय यू. सो इन दैट केस यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड गोइंग टू बी, हाउ मेनी डिस्टेंस यू विल कवर, हाउ मच डिस्टेंस यू विल कवर? सो द डिस्टेंस इज 100 मीटर. सो हियर वी कैन से डिस्प्लेसमेंट एंड पाथ लेंथ आर सेम. एक्चुअली ये पूरा जो टॉपिक है ना, वो मैंने थियरी में अच्छे से पढ़ाया है. रेडी? बट ये क्या न्यूमेरिकल में है, इसलिए फिर से रिवाइज करा देता हूँ. सो व्हाट दिस इंडिकेट्स, इट इंडिकेट्स इफ यू आर ट्रैवलिंग इन सेम डिरेक्शन, मतलब सिर्फ ए से बी जा रहे हो, डिरेक्शन चेंज नहीं करो, मतलब बी से टर्न नहीं लगा रहे हो, सिर्फ ए टू बी, सिंपली ए टू बी मीन्स यू आर ट्रैवलिंग इन द सेम डिरेक्शन, मीन्स इन अ सिंगल डिरेक्शन. रेडी? इफ यू आर ट्रैवलिंग इन अ सेम डिरेक्शन, इन दैट केस ओनली योर वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द पाथ लेंथ, विच इज अ इंपॉर्टेंट. नाउ सी, सपोज आई एम रिटर्निंग फ्रॉम बी. अब बी से मैं वापस रिटर्न हो रहा हूँ और यहाँ पे आ रहा हूँ. मान लो कि ये डिस्टेंस है मेरा 40 मीटर. सो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 60 मीटर. सो इन दैट केस व्हेन आई एम गोइंग टू, इसको बोलते हैं ये पॉइंट है सी. इफ आई एम गोइंग टू ए टू बी एंड बी टू सी, in that case what will be your displacement, value of your displacement? Displacement is a shortest distance between initial and final point. In this case initial point is A and final point is C. So A or C ke beech ka shortest distance jo kitna hai? 60 meter. So displacement is 60 meter. What will be the path length? To path length A to B 100 meter और बी टू सी 40 मीटर. सो द पाथ लेंथ इज अ 140 मीटर. सो यहां पे एक और रूल आएगा, इफ यू आर चेंजिंग योर डिरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग देन ऑलवेज पाथ लेंथ will be greater than value of displacement. अगर आप अपनी
मोशन की डिरेक्शन चेंज करते हो तो पाथ लेंथ ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट होगा। इफ वी मर्ज दिस टू फॉर्मूला वी कैन ऑलवेज से इन जनरल पाथ लेंथ is always greater than or equal to value of displacement. Ready? In general, path length is always greater than or equal to displacement. Ready? So, ये हो गया difference between path length and displacement. Now, let's talk about the case number B. उसमें क्या find करना है? कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम एंड द एवरेज स्पीड ओवर द सेम इंटरवल। रेडी? ओके, सो रेडी नाउ द सेम थिंग वी हैव टू टेक द डिस्टिंक्शन बिटवीन एवरेज स्पीड। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे, बहुत लंबा लंबा लिखा है बट एक्चुअली में द सेम टाइप ऑफ रिलेशन, दिस वन एंड दिस वन। कि मान लो आप सिंगल डिरेक्शन में जाते हो तो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा? ठीक है, सो लेट्स सी द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? Average speed is a path length by time and average velocity is what? Displacement by time if we take as a value, simply displacement लिखोगे तो भी चलता है। ठीक है, so मान लो कि आप ऐसे करो, if you are traveling in the same direction अब हमें पता है कि अगर आप सेम डिरेक्शन में जाते हो तो डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ इक्वल होगा। अब डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ इक्वल हो जाएगा तो इन दैट केस एवरेज स्पीड बी एवरेज वेलोसिटी जितना हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, क्योंकि सेम डिरेक्शन में जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ सेम है। अब डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ सेम हो जाएगा तो मतलब राइट हैंड साइड दोनों का सेम हो गया, मींस लेफ्ट हैंड साइड आर सेम। सो एवरेज स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। बट अगर आप अपना मोशन चेंज करो लाइक दिस ए टू बी एंड बी टू सी, इन दैट केस वी कैन से पाथ लेंथ इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। इफ पाथ लेंथ इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट मीन्स वी कैन से अगर पाथ लेंथ की वैल्यू ज़्यादा है तो एवरेज स्पीड की वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगी। सो इन दैट वी कैन से एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेडी? चलो, इन जनरल व्हाट कैन वी से दैट, इन जनरल वी कैन से एवरेज स्पीड is greater than or equal to magnitude of average velocity. So these are the rule कि कब displacement and path length same होंगे, कब path length ज़्यादा होगी और displacement कम होगा, कब ये relation होगा और same like that the three relation. Ready? चलो, now let's see the numerical number 14. A man walks on a straight road from his home to a market. So we can say this is the home and here this one is a market. Distance between home and market is given by 2.5 kilometer and he is going home to market with a speed of 5 kilometer per hour. Ready? Finding the market close, he instantly turns and walk back with a speed of 7.5 km per hour. मतलब जब वापस आता है तब उसकी स्पीड कितनी है? 7.5 km per
आवर. वॉट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फॉर द टाइम 0 to 30 मिनट, 0 to 50 मिनट एंड 0 to 40 मिनट. रेडी? सो देखो क्या फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी, उसकी मैग्नीट्यूड, एंड हमें फाइंड करना है एवरेज स्पीड. ये दोनों हमें फाइंड करना है. कौन से ड्यूरेशन के लिए? सो फर्स्ट ड्यूरेशन इज फॉर 0 to 30 मिनट, सेकेंड ड्यूरेशन इज 0 to 50 मिनट, एंड थर्ड ड्यूरेशन इज 0 to 40 मिनट. रेडी? सो इन दैट केस वी कैन से कि पहले ये देखो कि हमें यहाँ से यहाँ जाने में टाइम कितना लगेगा. सो लेट्स टॉक अबाउट व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम होम टू मार्केट. ठीक है? सो होम टू मार्केट के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. चलो वेलोसिटी कितनी होम से मार्केट की? 5 किलोमीटर पर आवर. डिस्टेंस कितना है? 2.5 किलोमीटर. एंड टाइम हमें फाइंड करना है. सो यहाँ पे टाइम होगा टी इज इक्वल टू 2.5 बाय 5. दैट मीन्स योर टाइम इज बेसिकली 30 मिनट, मतलब ये आएगा 1/2 आवर, है ना? इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 1/2 आवर, मतलब 30 मिनट. मतलब यहाँ से यहाँ जाने में उसको लगता है 30 मिनट. वापस आने में कितना टाइम लगेगा? सो लेट्स कैलकुलेट व्हेन ही इज ट्रैवलिंग फ्रॉम मार्केट टू होम. रेडी? चलो. सो अगेन वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. सो वेलोसिटी कितनी है वापस आने के लिए? 7.5 किलोमीटर पर आवर. डिस्टेंस इज द सेम, यहाँ से यहाँ जाने के लिए अगर 2.5 किलोमीटर है तो वापस आने का भी 2.5 किलोमीटर होगा, 2.5. टाइम हमें फाइंड करना है. सो टी इज इक्वल टू 2.5 बाय 7.5, विच विल गिव 1/3 आवर. 1/3 आवर मतलब उसको हम क्या बोल सकते हैं? 20 मिनट. मतलब वापस आने के लिए उसको लगते हैं 20 मिनट. रेडी? तो टोटल जर्नी की कितनी मिनट्स हो गई? 50 मिनट. सो पहले हमें बोला है कि 0 to 30 मिनट में उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी और एवरेज स्पीड क्या होगी. सो इन दैट केस वी कैन से 0 to 30 मिनट मतलब 30 मिनट, मतलब वो होम से मार्केट जाने की बात कर रहा है ना, क्योंकि उसी में आपको 30 मिनट लग रहे हैं. सो फॉर केस नंबर 1, 0 to 30 मिनट हमें क्या फाइंड करना है? एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड. नाउ द रूल जो प्रीवियस न्यूमेरिकल में करवाया था, इफ़ यू आर गोइंग इन द सेम डिरेक्शन, अगर आप सेम डिरेक्शन में ही जाते हो तो क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कैसी होगी? सेम इज इक्वल टू एवरेज स्पीड, है ना? सब सेम होगा ना, तो दोनों में से कोई भी एक क्वांटिटी फाइंड कर लो. एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस कवर्ड. टोटल डिस्टेंस कितना कवर है? 2.5 किलोमीटर. बाय टाइम कितना टाइम मिला था? 1/2 आवर. तो इसको यहाँ पे कर दो 1/2. सो आपकी एवरेज स्पीड आएगी 5 किलोमीटर पर आवर. नाउ द सेकेंड, फॉर 0 to 50 मिनट मतलब 30 मिनट यहाँ से यहाँ जाने के थे, 20 मिनट वापस आने के थे, टोटल कितने हो गए? 50 मिनट. मतलब आपको पूरी जर्नी के बारे में बोला है कि उसके वो केस में फाइंड करो. सो फॉर 0 to 50 मिनट एवरेज वेलोसिटी क्या था फॉर्मूला? एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. सो होम से मार्केट गए और मार्केट से वापस होम आ गए, सो डिस्प्लेसमेंट इज 0. टोटल टाइम कितना था आने जाने का मिलके? 50 मिनट. तो यहाँ पे 50 मिनट लिख दो, पर आंसर तो क्या आएगा? 0. रेडी? चलो अब एवरेज स्पीड.
एवरेज स्पीड क्या होगा? पाथ लेंथ बाय टाइम। तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर होगा? 2.5 किलोमीटर जाने का, 2.5 किलोमीटर आने का, तो टोटल डिस्टेंस होगा 5। और टोटल जो हमारी मिनट्स लगती है टाइम, वो टाइम कितना था? तो देखो यहाँ से यहाँ जाने के लिए 1/2 ओवर, वापस आने के लिए 1/3 ओवर, तो टोटल टाइम होगा 1/2 + 1/3 ओवर्स। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 5/3 + 2/6 मीन्स ये होगा 5 × 6/5, ये 6 ऊपर चला जाएगा, सो आंसर विल बी 6 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपका एवरेज स्पीड। रेडी, अब हमें क्या फाइंड करना है थर्ड केस, 0 to 40 किलोमीटर के लिए, 40 मिनट के लिए। चलो अब 0 to 40 मिनट मतलब 30 मिनट में तो वो यहां से यहां आता है, बाकी बचे कितने 10। तो 10 मिनट में इतनी स्पीड से जाएगा तो कहां पे पहुंचेगा? रेडी, सो देखो इट्स वेरी सिंपल, वापस आने के लिए कितना टाइम लगता है? 20 मिनट। और हमें कितनी मिनट के लिए फाइंड करना है? 10 मिनट के लिए। अब 20 मिनट में पूरा 2.5 किलोमीटर कवर करेगा तो 10 मिनट में कितना करेगा? एग्जैक्टली हाफ। 20 मिनट में पूरा डिस्टेंस कवर करता है तो 10 मिनट में कितना कवर करेगा? हाफ। 2.5 का हाफ होता है 1.25 किलोमीटर, सिंपल। और इसके लिए वो टाइम लेगा 10 मिनट। सो 30 मिनट यहां से यहां के और 10 मिनट वापस आने के लिए, हो गया आपके 40 मिनट। तो ये 40 मिनट के लिए आपको फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी पहले। सो एवरेज वेलोसिटी इज अ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 1.25। ये 1.25, ये 1.25, टोटल हो गया 2.5। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, जो हो गया 1.25 डिवाइड बाय टाइम। डिवाइड बाय टाइम तो देखो यहां से यहां जाने का वो टाइम कितना था? तो वो टाइम था 1/2, और यहां से यहां आने के लिए 10 मिनट। 10 मिनट को अगर आवर्स में कन्वर्ट करो तो कितना हो जाएगा? 1/6। तो टोटल टाइम होगा 1/2 + 1/6, सो इट विल बी 1/2 + 1/6। इसको सॉल्व करोगे तो आपका एवरेज वेलोसिटी आएगा 1.25 किलोमीटर पर आवर। और अब फाइंड करते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? 2.5 + 1.25। तो टोटल डिस्टेंस 2.5 + 1.25 / 1/2 + 1/6। इसको जब सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर 5.625 किलोमीटर पर आवर। रेडी, 2.5 + 1.25 डिवाइड बाय टोटल टाइम, सेम उसके जितना लगेगा, आंसर विल बी 5.625। सो दिस इज द न्यूमेरिकल, इजी बट लिटिल बिट लेंथी। रेडी, सो इन केस इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी। रेडी, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू द आंसर। ओके, थैंक यू वेरी मच।